What's up guys, welcome back to my YouTube channel after a very long time. तो guys, पिछले मैंने 4 महीनों से कोई भी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो ये काफी लॉन्ग ब्रेक के बाद में वीडियो आ रहा है और ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं इतने टाइम से कहाँ बिजी था. तो पिछले 4 महीनों से मैं कोई भी वीडियो अपलोड इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो चुकी है अक्टूबर से. तो पिछले 4 महीनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था अपने कॉलेज की असाइनमेंट्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें क्लासेस के साथ में. तो गाइस, ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इसलिए होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है. तो ये वाला वीडियो ना कम्प्लीट गाइड होने वाला है उन लोगों के लिए जो जापान में अप्लाई करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए. तो गाइज, अभी हम लोग आए थे टोक्यो में थे और अभी हमें भूख लगी थी, तो हम लोग आ चुके हैं टोक्यो मिठाई वाला. एक्चुअली एक इंडियन मिठाई शॉप है, कभी वहाँ पे चलते हैं कुछ खाते हैं. और आज इंडियन खाना खाने का बहुत मन था. ये रहा पीछे टोक्यो मिठाई वाला. तो गाइज, अभी मैं मिठाई वाला जो भी शॉप पे हम गए थे वहाँ पे थोड़ा सा चाट वाट खाया, फिर यहाँ पे आ गए थे क्योंकि बहुत भूख लगी थी भाई. और अभी हम लोग आए हैं विंटर लाइट्स देखने और ये पीछे मेरे देखो टोक्यो स्टेशन बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है भाई इस टाइम पे. और हमारे साथ में आज हमारे कुछ एक नया चेहरा, तो ये भाई हमारे हैं पाकिस्तान से, हमारी टीम में खेलते हैं क्रिकेट के. कॉलेज डिसाइड हो गया आपका? हाँ, हो गया अभी, एक महीने पहले वो रिजल्ट आया था. अच्छा, तो भाई हमारे जापानीज स्कूल में थे. अभी आपकी कॉलेज भी जापानीज है ना? जापानीज यूनिवर्सिटी है. अभी गाइज, न्यू ईयर टाइम पे ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड होता है और यहाँ पे जो विंटर लाइट्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है. तो अभी हम लोग टोक्यो स्टेशन पे आए थे, कि पीछे की साइड में मेरे टोक्यो स्टेशन है. ये देखो भाई, ये है टोक्यो स्टेशन. ये काफ़ी पुराना है ना, तो दिखने में भी अच्छा है और यहाँ पे लोग काफ़ी फॉरेनर्स वगैरह आते हैं फोटोशूट के लिए. बाकी एरिया देखो भाई, बहुत बहुत तगड़ा सीन है यहाँ पे. बाकी अभी देखते हैं कि यहाँ पे विंटर एलिमिनेशन क्या होता है, क्योंकि अभी क्रिसमस के टाइम पे और न्यू ईयर के बीच में ना सब जगह पे लाइटिंग्स वगैरह होती है. ये वाला नहीं, इसका वो तू है कहाँ सुना है मैंने, कहा तू है कहाँ. हाँ, तो अभी भाई हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स के बारे में बात कर रहे थे. आप कोई इंडियन यूट्यूबर को देखते हो? कैरी मिनाटी. अच्छा, और टिगर इंसान. तो एक्चुअली ना हम दोनों पता है कहाँ पे मिले थे, हमारी जो क्रिकेट टीम है हम सेम ही क्रिकेट टीम से खेलते हैं जापान अंडर 19 के लिए. तो हमारे अभी अप्रैल से मैचेस हैं भाई. प्रैक्टिस कर रहे हो? कभी कभी. करो यार, इस बार टीम की जिम्मेदारी मेरे सर पे है क्योंकि मुझे कैप्टन बना दिया है. बार ट्रॉफी अपने पास ही आनी चाहिए. आएगी. वेडिंग शूट्स हो रही हैं. ओहो भाई, ये देख लो, जिनको शादी करनी हो अपना शूट करवा सकते हैं यहाँ पे टोक्यो स्टेशन के आगे. तो अभी हम लोग ना पाकिस्तान और इंडिया के कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे थे, मतलब कि पाकिस्तानी शादियाँ वगैरह या फिर इंडियन शादियों के बारे में. तो काफ़ी कुछ भाई ने हमें शेयर करा. कैसा लगा आपको इंडियन शादियों के बारे में सुन के? पहली दफ़ा सुना है. अच्छा, पहली दफ़ा सुना है भाई ने. काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी शादियाँ भी बहुत ही मतलब यू नो अलग तरीके से होती है. और हमें इनवाइट कर रहे हो ना अपनी शादी में? भाई ने हमें इनविटेशन दिया अपनी शादी में आने का. भाई कोई मार वार तो नहीं देगा ना? नहीं. तो अभी हम थोड़ी देर पहले उस मिठाई वाला शॉप पे थे. भाई कैसा लगा आपको इंडियन चाट खा के? अच्छी थी. आपको क्या क्या पसंद है इंडियन खाने में? मैंने बहुत कम खाई है, मतलब इंडियन चीज़ें बहुत कम खाई है. पूरी हो गई, चाट. पाकिस्तान में क्या मिलता है वैसे, जैसे हमारी पानी पूरी होती है स्ट्रीट फूड में? बिरयानी होती है. अच्छा, लाहौर कराची की क्या होती है? कराची की बिरयानी फेमस. कौन सी होती है कराची की बिरयानी सबसे फेमस है ना? कुछ वेजिटेरियन नहीं मिलता मेरे जैसों के लिए? नहीं. फिर आपकी शादी में कैसे आएंगे हम? बना लेंगे खाना. कुछ शाकाहारी रखना अपनी दावत में, बोल के बनवाने. वैसे भाई यहाँ का जो व्यू है ना बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है भाई. पीछे देखो, दूर तक लाइटिंग्स वगैरह कर रखी है. तो भाई जो ये एरिया है ना, ये टोक्यो साइड में भाई बहुत पॉश एरिया, मतलब काफ़ी महंगी चीज़ें, महंगे लोग, महंगी गाड़ियाँ. तो हमारा यहाँ पे ज़्यादा देर टिकना काम की चीज़ नहीं है क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना, हम गरीब लोग हैं यार. भाई आपके पास तो पैसे होंगे. भाई का एक्चुअली जापान में बिजनेस है ना गाड़ियों का, इनके जो पिताजी हैं उनका बिजनेस है यहाँ पे गाड़ियों का. भाई मतलब सेकेंड हैंड गाड़ियाँ ना? सेकेंड हैंड गाड़ियों का बिजनेस है इनका. न्यू भी बेचते? अच्छा, न्यू भी बेचते हो. जो जापान के स्टेशन है ना भाई, इनकी छत देखो बहुत नीचे है, हाथ लगा सकते हैं यार. तो गाइस, अब आते हैं अपने वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पर. जो जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, इनका एडमिशन एक्चुअली होता है एप्लीकेशन स्क्रीनिंग के थ्रू. इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं इनका कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, जैसे अपने इंडिया में जेई एडवांस जेई मेन्स होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए, वैसा इनमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता.
तो इनमें बेसिकली आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है, फिर उसके थ्रू आपकी स्क्रीनिंग होती है, फिर आपका एडमिशन होता है। तो अभी मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और कैसे मैंने अप्लाई किया था। और जब आप जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो तो मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम 4 से 5 कॉलेजेस में अप्लाई करो, ताकि आपकी जो पॉसिबिलिटी है किसी एक कॉलेज में एडमिशन मिलने की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। क्योंकि यही सेम तरीका मैंने पिछले साल अपनाया था, जब मुझे भी कॉलेजेस में घुसना था तो मैंने क्या किया था, मैंने 4-5 कॉलेजेस में अप्लाई किया था, उनमें से मेरे को 2 या 3 में शायद एडमिशन मिल गया था, बट उसमें से फिर मैंने रैंकिंग के हिसाब से कॉलेज पिक करी। और जो यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती है, इनकी फ़ीस कंपैरेटिवली प्राइवेट से कम होती है ऑब्वियसली, और जो प्राइवेट की फ़ीस होती है वो अराउंड 15 लाख से लेकर 25 लाख येन में होती है ईयरली फ़ीस, और जो जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसकी फ़ीस होती है लगभग 5 से 6 लाख। और पब्लिक की मोस्टली जो रैंकिंग है वो भी अच्छी होती है कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जो कि है दी यूनिवर्सिटी ऑफ आइज़ू, जो सबको ही पता है ऑलमोस्ट जिनको कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग पढ़ना है। तो ये जापान में वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। बाय द वे गाइस, राइट नाउ आई वाज एट दिस अमेजिंग प्लेस, ये पीछे आप देख रहे हो ना, ये 100 साल पुराना जहाज़ है। यहाँ पे अभी फोटोशूट के लिए या फिर ऐसे ही देखने के लिए, पब्लिक को देखने के लिए रखा है। बाकी इसको बोलते हैं निहोमारू, मतलब ऑलमोस्ट 100 साल पुराना ये जहाज़ है, अभी यहीं पे खड़ा है। और ये पूरी योकोहामा सिटी है, और एक्चुअली आज न्यू ईयर ईव है, तो मैं अभी न्यू ईयर ईव के लिए यहाँ पे आया था। अभी 8 या 9 बज रहे हैं शायद, और थोड़ी देर में काउंटडाउन स्टार्ट होने वाला है, तो आपको काउंटडाउन भी दिखाएंगे। तो गाइस, जो जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इनमें बेसिकली 3 डिफरेंट स्टेजेस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स योर एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, मतलब कि आपका एप्लीकेशन गो थ्रू किया जाता है, जो एडमिशन इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, तो वो फिर आपकी एप्लीकेशन स्क्रीनिंग के बाद में होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका वन ऑन वन या फिर 2-3 प्रोफेसर्स होंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। बेसिकली आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका स्कूल कैसा था, आपका पास, सारा कुछ पूछते हैं वो उसमें। और फिर तीसरी चीज़ आती है सीधा एडमिशन। तो ये 3 सिंपल स्टेप्स हैं, बट ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाते हैं जब बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं कॉलेजेस में। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन स्क्रीनिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के टाइम पे। सबसे पहले सिटी का व्यू देखो गाइस, दिस इज सो डैम प्रिटी। ये सबसे ज़्यादा, ये पता है वर्ल्ड में सबसे बड़ा फेरिस व्हील है, अभी पता नहीं ये वर्ल्ड में अभी भी रिकॉर्ड होल्ड करता है कि नहीं। बाकी चारों तरफ ये होटल्स वगैरह हैं। अभी ये आपको शिप दिखाई थी, एंड आज पता नहीं कौन सा दिन है, पूर्णिमा तो नहीं है, बट पूरा मून दिख रहा है वहाँ पे। हाँ, तो अब बात करते हैं गाइस की जो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग होती है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो ये सारे यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे ये सारे जितने भी है ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इनमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है कि ये जो जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इनमें जो ट्रांसक्रिप्ट्स लगती हैं वो बेसिकली आपके 9th grade से लगती है, मतलब कि 9th, 10th, 11th और 12th, ये 4 साल के आपको ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी पड़ती है इन दी एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आपको 9th से लेकर 12th तक सारी ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी है। उसके बाद आता है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी उसको मेजर करते हैं। तो मोस्टली अगर आपके पास नहीं है तो आप TOEIC या TOEFL एग्ज़ाम देके अपना सर्टिफिकेट ले सकते हो। बट इसके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि जो अपने इंटरनेशनली जिनकी इंग्लिश मीडियम स्कूल थी बचपन से, फॉर एग्जांपल कोई इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ के बड़ा हुआ है, तो अपनी स्कूल से सर्टिफिकेट लेके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का वो भी सबमिट कर सकता है, वो भी एलिजिबल है। इनफैक्ट मैंने भी अपनी स्कूल से ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट लेके सबमिट किया था यूनिवर्सिटी में। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ गाइज आती है, वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब कि आपकी जो स्कूल है उसमें जो आपका करंट टीचर है, फॉर एग्जांपल योर मैथ्स टीचर और साइंस टीचर और केमिस्ट्री टीचर, एनी रिगार्डलेस ऑफ एनी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे एक रिकमेंडेशन लेटर मांगना है आपको यूनिवर्सिटी के लिए। बेसिकली समझाना है कि व्हाई यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस यूनिवर्सिटी एंड व्हाई यू आर कैपेबल ऑफ स्टडिंग एट दिस यूनिवर्सिटी। तो उस चीज़ का आपको रिकमेंडेशन लेटर मांगना है अपने किसी भी फेवरेट टीचर से। बाय द वे अ क्विक टिप, मैथ्स टीचर्स अपना रिकमेंडेशन लेटर मांगना, क्योंकि जो जापानीज़ यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, अगर आप मैथ्स टीचर्स अपना रिकमेंडेशन लेटर मांगते हो भाई साहब, ये मैथ्स टीचर को भगवान की तरह ट्रीट करते हैं। इसके बाद गाइज आता है आपका सबसे एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ एसे। तो इसमें आपको बेसिकली एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप ही क्यों एलिजिबल हो इस कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। बाई दैट सेइंग आई मीन कि आपको अपना एसे इस हिसाब से लिखना है ताकि यूनिवर्सिटी इन्फ्लुएंस हो कि आपको क्यों लेना है, क्योंकि इट्स लाइक अ कॉम्पिटिशन, राइट? तो आपको उसी बेसिस पर आपको जज करते कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस लिए चाहिए, आपको फ्यूचर में यहाँ पे क्या, क्यों यहाँ पे पढ़ना है। तो आपको बेसिकली वो सारी चीज़ें उस ऐसे में लिखनी पड़ती है। बाय द वे हर कॉलेज का अलग अलग ऐसे टॉपिक होता है, तो आप कॉलेज के जो डिफरेंट क्राइटेरिया है उनको जाके चेक करोगे तो आपको वहाँ पे ऐसे टॉपिक भी मिल जाएगा। गाइज दिस व्यू इज़ सो क्रेजी, यहाँ पे देखो गाइज ये भी है, क्या बोलते हैं इसे,
उड़न तश्तरी नहीं नहीं सॉरी केबल कार हाँ केबल कार भी है, फिर यहाँ पे ये झूला है, फिर यहाँ पे बिल्डिंग्स है, एंड दिस सिटी इज सो अमेजिंग। एंड इस सिटी की खास बात पता है क्या है, ये जो सिटी है ये पूरा पानी के ऊपर बना है, दैट मीन्स कि समुद्र के ऊपर आर्टिफिशियल तरीके से सारी बिल्डिंग्स वगैरह, दैट्स हाउ इट इज मेड। उसके बाद गाइज आपके आते हैं फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल दिखाता है, वो आपको सारे शो करने पड़ते हैं कॉलेज को। तो जो काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कॉलरशिप के बारे में जानने के लिए क्यूरियस होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्कॉलरशिप होती है, आई मीन जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, दैट इज मैक्स्ट MEXT, विच इज़ लाइक मोस्ट ऑफ यू गाइज मस्ट हैव नोन अबाउट दैट। और एक जो होती है वो सारी कॉलेज के इंटरनल स्कॉलरशिप्स होती है, मतलब आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करोगे ना, सब में इंटरनल स्कॉलरशिप्स होती हैं। और इनके जो फॉर्म्स होते हैं वो हमेशा दिए जाते हैं आफ्टर यू आर एडमिटेड टू द यूनिवर्सिटी। तो अगर आप सोच रहे हो ना कि अगर आपको मैक्स नहीं मिला तो आपको कोई और स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कॉलेज ज्वाइन करने के बाद में कॉलेज खुद प्रोवाइड करता है स्कॉलरशिप डिपेंडिंग ऑन योर ग्रेड्स एंड एवरीथिंग, एंड इफ यू मेंटेन योर ग्रेड्स देन योर स्कॉलरशिप विल बी मेंटेन टिल द एंड ऑफ मे बी लाइक अंटिल यू ग्रेजुएट। तो गाइस बेसिकली यही सारे प्रोसेस है आप जापानीज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का। ज्यादा कोई लंबा चौड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करो। और अगर आपको किसी को भी कुछ भी डाउट है ना कि आपको कॉलेज में कैसे अप्लाई करना है, मेरा इंस्टाग्राम आपको पता ही होगा, नहीं तो नीचे पिंड कॉमेंट में होगा, तो वहाँ पे जाके आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, फिर मैसेज करना वहाँ पे, एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देयर। बाकी जितनी भी कॉलेजेस में मैंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था उन सारों का नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एग्जैक्टली सेम कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो एंड मे बी यू विल गेट इनटू वन ऑफ दोस कॉलेजेस। और ये उन बच्चों के लिए जो 12th में, क्योंकि 12th में भी आप अप्लाई कर सकते हो इवन दो यू डोंट हैव अपीयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जाम, तो आप उससे पहले भी अप्लाई कर सकते हो, यू हैव अ चांस। अभी गाइस हम लोग आ चुके हैं एकदम एक्सट्रीम एंड पे, सिटी के एक्सट्रीम एंड पे, और यहाँ से जो सिटी का व्यू है ना पीछे दिख रहा होगा आपको, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और ये जो आपको सिटी की लाइटिंग्स दिख रही है ना, ऑल दीज लाइटिंग्स जो साइड में कॉर्नर लाइटिंग्स है, ये सारी सिंक्रोनाइज कर रखी है।